फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डूइंग वर्ब्स और वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज, मीन्स जिससे हमें पता चलता है कि पर्सन, एनिमल्स और थिंग क्या करते हैं। जब हमें क्या का आंसर मिलता है तो वही हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, आई टीच यू, ओके। अगर मैं खुद से क्वेश्चन करूँ मैं क्या करती हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ जो पढ़ाना हुआ, यानी जो टीच हुआ, वो हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब राम दौड़ता है, तो राम क्या करता है, तो क्या का आंसर आया, दौड़ता है, तो रन। रन हमारा वर्ब हो गया, क्योंकि दौड़ना की इंग्लिश रन होती है, तो रन हमारा वर्ब हो गया। अब इसी तरह अगर हम एक और सेंटेंस लें, ठीक है, राम आम खाता है, तो राम क्या करता है, हम क्वेश्चन पूछे राम क्या करता है, तो कोई कोई तो बता देंगे आम खाता है, ठीक है, जनरली लोग यही बताएंगे आम खाता है। यहाँ आम, आम को छोड़ करके, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि वर्ब क्या कहने से जो हमें आंसर मिलता है वो तो होगा ही, लेकिन वर्ब एक्शन, एक्शन भी होना चाहिए उसमें, तो ही वो हमारा वर्ब रहेगा। अब आम, आम में तो एक्शन है नहीं, आम हिलता डुलता नहीं, आम में एक्शन नहीं है। वर्ब हमारा क्या कहने से जो आंसर मिला, खाता है, तो वर्ब खाना हमारा एक्शन हो गया, तो इसलिए हमारा ईट जो है वो वर्ब हो गया। हालांकि मैंने एक्शन वर्ब्स पे भी वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन क्या था कि कैसे पहचाने बच्चे कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब को कैसे पहचाने सेंटेंस में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो डालती हूँ, जिससे शायद बच्चों को समझ में आ जाए कि वर्ब क्या होते हैं, ठीक है, उन्हें समझने में हेल्प मिले, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दिल खोल के लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब रेड कलर में नीचे बटन है उसको आपको प्रेस करना है, और प्रेस करके बेल बटन भी प्रेस करना है, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, फिर चलिए लर्न करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वर्ब को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, डॉग भौंकता है, द डॉग बार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पूछे डॉग क्या करता है, तो भौंकता है, यानी कि बार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा एग्जांपल, चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड, चिल्ड्रेन पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड, पार्क में कहें चाहे मैदान में कहें, चलिए मैं पार्क लिख देती हूँ, चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रेन पार्क में खेलते हैं, तो चिल्ड्रेन क्या करते हैं पार्क में, तो खेलते हैं, तो ये हमारा प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। उसी तरह पंछी उड़ते हैं, ठीक है, तो द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं, तो पंछी क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, तो उड़ते हैं, तो द बर्ड्स फ्लाई हो जाएगा। मोहन खेलता है, मोहन प्लेज, ठीक है, तो मोहन खेलता है, मोहन क्या करता है, तो खेलता है, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लेज हो गया वर्ब, ओके। नितिन राइट्स अ लेटर, नितिन पत्र लिखता है, तो यहाँ पर हमारा बताइए वर्ब क्या हो जाएगा, क्या लेटर होगा, पर लेटर में तो एक्शन तो है नहीं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से लेटर, लेटर में कोई एक्शन नहीं है, राइट, राइट में हमारा एक्शन है क्योंकि हम लिखते हैं, ठीक है, तो राइट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब जरा ये बताइए कि काउ डैश ग्रास, ठीक है, तो काउ ग्रास, बताइए क्या होगा सेंटेंस, इसमें क्या वर्ब फील होगा, काउ इट्स ग्रास, खाती है, तो खाती हमारा एक्शन हो गया, तो काउ इट्स ग्रास हो जाएगा, तो काउ इट्स ग्रास। अब उसी तरह काउज अगर आ गया, ठीक है, और ग्रास आ गया, अब यहाँ काउज है तो बहुत सारी गाय आ गई, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है, तो काउज इट ग्रास,
बेबीज क्राई, ठीक है, बेबीज रोते हैं, तो रोना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें एक्शन है, तो बेबीज क्राई, क्राई हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलिए अब हम ये सब क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको फील करना है, ठीक है। पहला है हमारा राजा इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, राजा इज राइटिंग अ लेटर, राजा लेटर लिख रहा है, तो इसमें बताइए वर्ब कौन सा हुआ जिसमें एक्शन हो हमारा, और क्वेश्चन पूछिए कि राजा क्या कर रहा है, तो राजा लिख रहा है, यानी कि राइटिंग, राइटिंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग हमारा वर्ब हो गया। उसी तरह आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन पूछिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पूछा खुद से, तो मैं पढ़ा रही हूँ, आंसर आया हमारा पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा टीचिंग, हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, टीचिंग। उसी तरह कैट्स ईट माइस, ठीक है, बिल्लियाँ जो है वो चूहे खाती हैं, ओके, तो यहाँ पर कैट्स क्या खाती हैं, हमने क्वेश्चन पूछा कैट्स क्या खाती हैं, तो आप लोग कहीं बोल दोगे कि चूहे खाती हैं, तो आप कंफ्यूज कि चूहे वर्ब होगा कि इट वर्ब होगा, तो चूहा वर्ब नहीं होगा भाई, इट जब हम खाते पीते हैं तो हम एक्शन उसमें दिखलाते हैं ना, तो इट हमारा वर्ब हो जाएगा। उसी तरह श्याम पेंट्स अ पिक्चर, तो श्याम क्या करता है, तो पिक्चर को पेंट करता है, तो पेंट्स हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें आपको टिक लगाना है, जैसे देखिए श्याम पेंट्स या फिर कुक्स अ पिक्चर, बताइए सही क्या होगा वर्ब, पेंट्स होगा या फिर कुक्स होगा, पिक्चर को पेंट करता है या कुक करता है, तो भाई जाहिर सी बात है पेंट ही करेगा, तो ये हमारा सही वर्ब हो गया पेंट्स। अब मोहन स्टडीज और इट्स इन द स्कूल, तो स्कूल में क्या करते हैं भाई, बच्चे तो पढ़ते ही हैं ना, तो मोहन भी पढ़ता है, तो यानी कि मोहन क्या हो जाएगा, स्टडीज हो गया, ठीक है, मोहन स्टडीज इन द स्कूल। अब ये है नेहा प्लेस और टॉक्स क्रिकेट, तो क्रिकेट तो खेला जाता है ना, क्रिकेट तो हम लोग प्ले करते हैं ना, खेलते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेहा प्लेस, प्लेस में टिक लगेगा, नेहा प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ देखिए एरोप्लेन्स वॉक डैश फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई मीन्स उड़ना, वॉक मीन्स टहलना, तो एरोप्लेन क्या टहलता है स्काई में, नहीं ना, एरोप्लेन तो फ्लाई करता है, तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा, फ्लाई इन द स्काई, ये हमारा वर्ब हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा और समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होता है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी इससे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, तो फिर चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और फिर तो इसे आपको क्या करना है, तो बस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन को प्रेस कर देना है, बस इतना ही करना है, तो फिर चलिए अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ।